गुरुजी, इंटरनेशनल मीडिया आज योगा को एक रिसर्च के तौर पे देख रहा है। जो हमारे ऋषि मुनि बोलते रहे हैं, आज साइंस इज ट्राइंग टू प्रूव इट। तो इसमें इंडिया का योगदान टू द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म क्या है? योग के तीन पहलू हैं। एक, योग सामाजिक रूप से आगे बढ़े। दूसरा, जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें योग आए। और तीसरा, योग पर रिसर्च हो। इसके ऊपर हम लोग करीब 500 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं रिसर्च में। इससे निश्चित रूप से योग की लोकप्रियता और बढ़ेगी। इस सभी दिशाओं में काम होना चाहिए। और योग एक साइंटिफिक प्रैक्टिस है, तो उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च होना ही चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए। बाबा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, Mynahcare.com और डिजिटल मीडिया के सारे व्यूअर्स के लिए इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर कुछ संदेश। आज मोदी जी ने 170 से ज़्यादा देशों के समर्थन से इंटरनेशनल योग डे डिक्लेयर कराया UN के अंदर। ये हम सब भारतीयों के लिए गौरव की बात है। और वैश्विक शांति, वैश्विक समृद्धि और विश्व शांति के लिए योग से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहूँगा 21 जून को घरों में ना बैठे रहें, घरों से बाहर निकलें, क्योंकि सारी दुनिया की निगाहें भारत की ओर टिकी हुई होंगी कि जिस देश के प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल योग डे डिक्लेयर करवाया, उस देश के लोग योग करते हैं या नहीं। तो हमारे खून में योग करना है, जेनेटिक स्ट्रक्चर करेक्टर हमारा योग वाला है। इसलिए 21 जून को सभी घरों से बाहर निकलें, योग करें, आरोग्य पाएँ, आध्यात्मिक ऊँचाइयाँ पाएँ, अपने जीवन को दिव्य बनाएं, यही मेरी शुभकामनाएं। बाबा, Mynahcare.com की तरफ से आपको ढेर शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। नमस्ते।